नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष राठौर और आज के हमारे एक और नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मनीष राठौर यूट्यूब चैनल और आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडिया की टॉप 10 APS सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज के बारे में बताने जा रहा हूं। क्योंकि आप में से कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि सर कौन सी बेस्ट कंपनी है APS के लिए, आप मुझे बताएं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो इंडिया में हम लोग जैसे कि जानते हैं कई सारी कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है, कई सारी APS कंपनीज अवेलेबल है, जिनमें से काफ़ी सारी कंपनीज फ्रॉड भी अवेलेबल है। और नॉलेज के अभाव में जो है, नॉलेज की कमी के कारण जो है, कई सारे लोग बेचारे फंस भी जाते हैं कि भाई कोई भी कंपनी जो है बिना नॉलेज के देख ले लेते हैं, उनको उनकी आईडी जो है ले लेते हैं और उसके बाद जो है उस कंपनी के साथ में वो लोग काम करने लग जाते हैं। जब उनका पैसा अच्छा खासा वॉलेट में जमा होता है तो वो कंपनी जो है उस वॉलेट का जो पैसा होता है वो सेटलमेंट नहीं करने देती है या फिर मूव टू बैंक नहीं करने देती है। इसके बाद या तो कंपनी अपना फ़ोन नंबर बंद कर लेती है, या तो रिटेलर का कॉल रिसीव नहीं करती है, या फिर उसका ऑफिस ही चेंज हो जाता है। कई सारे लोगों के साथ में फ्रॉड करके जो है वो कंपनी भाग जाती है। तो ये जो है नॉलेज के अभाव में जो है नए नए लोगों के साथ में ऐसा होता है। तो जो नए रिटेलर्स हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि एक्चुअली APS होता क्या है और APS की ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसका क्या फ़ायदा है। उसके बाद मैं आपको पूरी जो टॉप 10 APS की लिस्ट है, पर्सनली मैंने एक एक कंपनी के बारे में सर्च किया है, रिसर्च किया है और उसके बाद में मैंने ये वीडियो बनाया है। यहाँ पर जो लिस्ट लेकर आया हूँ, काफ़ी जो मेन पॉपुलर कंपनीज़ है उन्हीं कंपनीज़ का मैंने इस लिस्ट में नाम रखा है। बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं हो सकती है कंपनीज़। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप APS रिटेलर हैं या फिर APS रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं, रिटेलर बनना चाहते हैं, आप बैंकिंग सर्विसेज जो है अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना चाहते हैं और अच्छा खासा पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और यदि आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो स्क्रीन पर आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही होगी, जल्दी से जाइए और आप मुझे वहां पर फॉलो करिए। फॉलो करने के बाद आप मुझे वहां पर डायरेक्टली पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे APS के बारे में। APS एक्चुअली है क्या? APS का फुल फॉर्म है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यानी कि हम लोग इंडिया में कहीं पर भी बैठकर किसी के भी अकाउंट से APS के थ्रू, यानी कि आधार के थ्रू, अब उनका थंब लगाकर, बायोमेट्रिक डिवाइस पर किसी भी कस्टमर का थंब लगाकर उसके अकाउंट का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं किसी के भी अकाउंट में। ये जो है सर्विस, APS जो सर्विस है वो NPCI के द्वारा चालू की गई थी। अब बात आती है NPCI क्या होता है। NPCI के ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बना के रखा है। NPCI जो है एक RBI की ही एक और जो संस्था है, RBI के द्वारा ही एक संस्था चली जाए, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाई जाती है जिसका नाम है NPCI। और इस NPCI का क्या काम होता है, जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं इंडिया में, उन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स पर जो है कंट्रोल करने का, उन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को के ऊपर ध्यान रखने का जो काम होता है वो होता है NPCI का। NPCI के बारे में यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने NPCI क्या है उसका लिंक जो है दिया हुआ है वीडियो का, आप उसे जाकर जरूर देखिएगा। NPCI के द्वारा जो है ये APS सिस्टम चलाया गया है। और इसके बाद जो है ये NPCI के सिस्टम चलाने के बाद जो है हम लोग कहीं पर भी, पूरे इंडिया में कहीं पर भी बैठकर जो है किसी के भी अकाउंट से मनी विड्रॉ कर सकते हैं, पेमेंट जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, सारी का सारा काम जो है बैंकिंग सर्विसेज जो हम लोग कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। अब इसका जरूरत क्यों पड़ी, पहली बात तो ये कि APS की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए APS की जरूरत इसलिए पड़ी कि एक्चुअली हमने देखा है अभी कि इंडिया में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा हर एक सिटीजन, गवर्नमेंट का कहना है कि इंडिया के हर एक सिटीजन के पास जो है अपना एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो जनधन खाता ही क्यों ना हो, लेकिन एक बैंक अकाउंट पर्सनली होना ही चाहिए। अब यहां पर देखा जाए तो करोड़ों की संख्या में एकदम से लोगों ने अपने बैंक अकाउंट्स ओपन करवाए हैं, लेकिन उतनी संख्या में बैंक जो है ओपन नहीं हो पाए हैं, इतनी ब्रांचेस ओपन नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा खर्च भी बहुत ज्यादा आएगा। अब बैंक ओपन करने में खर्च बहुत ज्यादा आएगा तो ऐसे में जो है इसका एक अल्टरनेटिव निकाला गया कि APS जो है यहां पर ऑप्शन निकाल दिया NPCI ने। APS निकाल दिया तो अब जो है लोगों को जो है ये APS IDs दी जा रही है।
कहीं पर भी, यानी कि गांव में, छोटे छोटे गांव में, शहरों में, जहां पर बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, बैंक जो है अपना ब्रांच वहां पर ओपन नहीं करके रखा है, जहां पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बैंकों की, जहां पर कस्टमर्स बहुत ज़्यादा है लेकिन बैंक अवेलेबल नहीं है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, दूर दूर तक जाना पड़ता है बैंक जाने के लिए, पैसा निकालने के लिए, जमा करने के लिए, बैलेंस चेक करने के लिए, तो ऐसे में जो है एनपीसीआई ने ये AEPS IDs देना स्टार्ट करी। तो ये जो है डायरेक्टली एनपीसीआई नहीं देता है, कई सारी अलग अलग कंपनीज होती है जो कि ये AEPS IDs प्रोवाइड करती है। इन कंपनीज को अप्रूवल लेना होता है एनपीसीआई से, और उसके बाद जो है ये अपनी AEPS IDs प्रोवाइड करती है लोगों को। ये अलग अलग लेवल पर अपने कस्टमर्स अपने जो है आईडीज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, रिटेलर हो गया, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, इस प्रकार से जो है ये लेवल बनाकर जो है अपनी आईडीज प्रोवाइड करती है। और यदि आप अपने गांव में, अपने शहर में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, या अपने कस्टमर्स के लिए जो यदि आप देख लीजिए कि आपके एरिया में कोई बैंक नहीं है, तो आप ऐसे में अपना एक AEPS ID लेकर जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और AEPS ID ले सकते हैं। AEPS ID लेने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप हमें WhatsApp कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं, फर्दर और भी कोई डिटेल चाहिए तो भी आप हमसे ले सकते हैं। AEPS के बदले यदि आप जो काम करते हैं, किसी के अकाउंट से आप पैसा निकालते हैं या जमा करते हैं या मिनी स्टेटमेंट चेक करते हैं, तो इसके बदले कंपनी आपको कमीशन देती है। इसके साथ ही आपको कई सारी अलग सर्विस और अदर सर्विसेज भी मिलती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, लोगों के बिल पेमेंट कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हो गया, नल का बिल पेमेंट करना हो, आपका सिलेंडर बुक करना हो, गैस सिलेंडर बुक करना हो, या कोई आपकी जो आपने कोई पॉलिसी लेके रखी है, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी है, उसका EMI आपको जो है पे करना हो, लोन लेके रखा उसका आपको जो है EMI पे करना हो, या कई सारी जो है सर्विसेज अवेलेबल है इन IDs में। अलग अलग कंपनीज जो है अलग अलग सर्विसेज आपके लिए प्रोवाइड करती है और अलग अलग कमीशन स्लैब भी सभी कंपनीज का होता है। तो इस प्रकार से आप AEPS IDs लेकर जो है अपना बिजनेस सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं। या कुछ कंपनीज ये भी रिकमेंड करती है कि यदि आपके पास शॉप है तो ही आप ID ले सकते हैं उनकी, और कुछ कंपनी जो है वेरिफिकेशन नहीं करती है शॉप का, तो आप बिना वेरिफिकेशन के भी ID ले सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें कि टॉप 10 कंपनीज कौन कौन सी है, आपको कौन सी कंपनी की ID लेना चाहिए, कौन सी कंपनी फ्रॉड नहीं है, कौन सी कंपनी का कस्टमर सपोर्ट अच्छा है, और कौन सी कंपनी का कमीशन बहुत अच्छा है, ये सारी की सारी बातें जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि आपको कोई ID फ्री में अवेलेबल करवा रहा है, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही फंसते हैं कि भाई कोई भी ID, एक बंदा ले रहा है आपसे ID के 500 रुपये, एक बंदा ले रहा है आपसे 1000 रुपये, एक बंदा आपको फ्री में ID दे रहा है, तो बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि फ्री के ID के पीछे भागते हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, तो फ्री की ID लेने के चक्कर में वो जो है बंदा जाल में फंस जाता है। फ्री की ID उसने ली और उसके बाद जो है जब आप ट्रांजेक्शन्स करने लग जाते हैं, स्टार्टिंग में आप देखते हैं कि चलो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अच्छे से काम हो रहा है, मैंने फ्री की ID ली है, इसमें अच्छे से काम हो रहा है, पैसा भी अच्छे से निकल रहा है, जमा भी अच्छे से हो रहा है, ट्रांसफर भी हो रहा है, सारा का सारा काम बढ़िया शानदार चल रहा है, आपका ट्रस्ट बन जाएगा उस ID के ऊपर जो आपने फ्री की ID ली है। पता नहीं आपने कौन सी कंपनी की ID ले ली, अब जब आपका ट्रस्ट उस कंपनी के ऊपर बिल्ड हो जाएगा, आपको लगेगा कि ये कंपनी तो अच्छा काम कर रही है, ID बहुत जोरदार तरीके से काम कर रही है, इसके बाद आप धीरे धीरे बड़ा अमाउंट फंसाना चालू करेंगे उस ID के वॉलेट में। अब जब बड़ा अमाउंट आप फंसाना चालू करेंगे 15,000, 10,000, 20,000, 30,000 रुपये उस ID के वॉलेट में, धीरे धीरे कंपनी की नज़रों में आप आना चालू होंगे कि भाई ये बंदा जो है धीरे धीरे वॉलेट में पैसा डाल रहा है। अब कई सारे लोगों के साथ में होता है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये चीज़ आप देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब पर मैंने एक बंदे का वीडियो भी डाल के रखा है, बंदे रोते हैं कि भाई हमारा पैसा उस ID में फंस गया है, और वो कंपनी उसके बाद रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है, कंपनी बोलती है कि थोड़ा और पैसा डालो इस वॉलेट में तब जाके निकलेगा, फिर और डाल आपसे और लिया जाता है, फिर आपसे कहा जाता है थोड़ा और डालो 5,000 और डालो तब निकलेगा, ऐसे में आप और पैसा डालते हैं और उसके बाद जो है कंपनी आपका कॉल रिसीव करना बंद कर देती है, और कई सारे लोगों के साथ में एक साथ फ्रॉड करके वो कंपनी वहां से गायब हो जाती है। तो ये जो है इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी कंपनी, चाहे मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में जो भी लिस्ट बता रहा हूँ, जो भी नाम बता रहा हूँ जिस भी कंपनी के, आप अपने स्तर पर भी उस कंपनी को चेक जरूर करिएगा, वेरीफाई करिएगा, सर्च करिएगा। यहाँ पर जो मैं लिस्ट लेकर आया हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो अपने स्तर पर बता रहा हूँ, यानी कि ये मेरा ओपिनियन है,
अब लेना नहीं लेना ये आपका डिसीजन होना चाहिए, आपको भी अपने स्तर पर चेक करना है उन कंपनीज के बारे में, क्योंकि पैसा आप खर्च कर रहे हैं, आईडी आप ले रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ सजेशन दे रहा हूं कि ये कंपनीज काफी ज्यादा रिपोर्टेड है, काफी ज्यादा अच्छी है, ये कंपनी का जो रिव्यू है काफी ज्यादा अच्छा है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो में। तो इनमें से आप जो भी कंपनीज लेना चाहें आप अपने स्तर पर एक बार वेरीफाई जरूर करें, अपने स्तर पर एक बार सर्च जरूर करें और अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग ही आप उस कंपनी को लें। क्लियर है? तो चलिए मैं यहां पर कुछ एक लिस्ट लेकर आया हूं, आप उन कंपनीज के बारे में जरूर सर्च करिएगा, जैसे कि RNFI। मेरे पास काफी सारी कंपनीज के आईडीज हैं, तो मैं आप चाहे तो जो भी कंपनी की आईडी आप लेना चाहें वो आप एक बार मुझसे कांटेक्ट जरूर करिएगा। व्हाट्सएप पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, तो मैं आपको वहां पर और भी ज्यादा जो भी आपको फर्दर डिटेल आपको चाहिए रहेगी इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। RNFI एक बहुत ही शानदार कंपनी है, लगभग मेरे ख्याल से 2016 या 17 में इसका स्टार्टअप हुआ था और ये कंपनी उसके बाद से मार्केट में काफी ज्यादा अच्छा ग्रो कर रही है। बहुत ही अच्छा बिजनेस इस कंपनी ने दिया है, इसका कस्टमर सपोर्ट अच्छा है, इसका कमीशन अच्छा है और अच्छे से काम करती है बढ़िया। तो मुझे कंपनी पर्सनली बहुत ही अच्छी लगती है। इसके अलावा डोगमा सॉफ्ट कंपनी भी लगभग 11 साल पुरानी है, इसका सपोर्ट भी काफी ज्यादा अच्छा है, इसका कमीशन स्लैब अच्छा है। इस कंपनी के अंदर यदि ये कंपनी की आईडी आप लेते हैं तो इसमें आपको फायदा ये मिलता है कि इसमें हर कंपनी आपको एक ही AEPS आईडी देती है, लेकिन डोगमा सॉफ्ट कंपनी जो है आपको 3 AEPS आईडी अंदर प्रोवाइड करती है। आपको फिनो AEPS मिल जाएगी इसके अंदर, डोगमा सॉफ्ट के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, आपको इसके अंदर फिनो AEPS मिल जाएगी, ICICI बैंक की AEPS मिल जाएगी आपको इसके अंदर, इसके अलावा आपको जो है येस बैंक की AEPS भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा इसका कमीशन स्लैब भी अच्छा खासा है, आपको इस कंपनी के साथ भी जा सकते हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी है, ट्रस्टेबल, आप इसके ऊपर आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं वही बात कहूंगा कि जो भी कंपनी के बारे में मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं उस कंपनी के बारे में आप अपने स्तर पर पर्सनली सर्च जरूर करें और डिसीजन अपना ही लें। CSC DigiPay, CSC जैसे कि हम लोग जानते हैं CSC पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलता है, गवर्नमेंट की सर्विसेज जो है ये कस्टमर तक पहुंचाने का काम करता है। CSC DigiPay एकदम जो है ट्रस्टवर्दी है ये, और CSC हर किसी को नहीं मिलता है, इसके लिए आपको एक एग्जाम पास करनी होती है, एग्जाम पास होने के बाद ही आप CSC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है पे नियर बाय के साथ जा सकते हैं, पे नियर बाय भी एक जो है बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, काफी रेपोटेड कंपनी है, इसका कमीशन अच्छा है, इसका सपोर्ट अच्छा है और बहुत ही अच्छे से ये काम करती है पे नियर बाय कंपनी। स्पाइस मनी आ गया, इसके बाद यहां पर मैंने आपको बता दी है 5 कंपनी अभी तक मैंने आपको बता दी है, स्पाइस मनी भी आ गई है इसमें, स्पाइस मनी भी काफी ज्यादा फेमस कंपनी है, मेरे ख्याल से आपने इसका नाम भी सुना होगा। इसके अलावा जो है आप मल्टी अर्निंग कंपनी के बारे में भी जान सकते हैं, मल्टी अर्निंग कंपनी भी जो है बहुत ही अच्छा काम कर रही है ये, हालांकि उतनी पुरानी कंपनी नहीं है, नई कंपनी है, लेकिन ये कंपनी भी काफी अच्छा है, इसका कस्टमर सपोर्ट भी काफी अच्छा है, अच्छे से काम करती है, इसका ट्रांजेक्शन भी नहीं फंसता है, बहुत ही बेहतरीन इसका रिव्यू मैंने देखा है। और इसके बाद जो आता है इजी पे नाम से 2 कंपनीज है, दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है, एक होता है EASYPAY, इजी पे हो गया, इसका जो मेरे ख्याल से इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो जैकी श्रॉफ है, जो कि एक्टर है, बॉलीवुड एक्टर है जैकी श्रॉफ, इजी पे हो गया। इसके अलावा जो अगली कंपनी है, यहां पर मैंने आपको कितनी कंपनी बता दी है, 7 कंपनी बता दी है। इसके अब आज जो 8वीं कंपनी आती है वो होता है इजी पे, एक है इजी पे, एक है इजी पे, ये 8वें नंबर पर है इजी पे। क्लियर है? इसके बाद 9वें नंबर पर आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बहुत ही रेपोटेड, बहुत ही फेमस कंपनी है, अच्छे से काम करती है। फिनो पेमेंट बैंक भी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बस मुझे इसका जो थोड़ा सा चार्ज होता है, आईडी का जो कॉस्ट होता है, मुझे थोड़ा सा इसका ज्यादा लगता है, इसलिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करता हूं। बाकी फिनो पेमेंट बैंक का भी रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, इसके ट्रांजेक्शन अच्छे हैं, इसका जो कस्टमर सपोर्ट है इसका बहुत ही बेहतरीन है। ये सारी की सारी कंपनीज के बारे में मैंने काफी ज्यादा जो रिसर्च किया, सर्च किया, नेट पर सर्च किया, इसके रिव्यूज पढ़े मैंने, इसके कस्टमर सपोर्ट के बारे में जाना, इनके कमीशन के बारे में जाना। अब यदि इनमें से आप किसी कंपनी के बारे में, पर्टिकुलर किसी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं एक एक कंपनी का अलग अलग वीडियो बना दूंगा, यदि आप चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं उस कंपनी के बारे में जो है स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा। चलिए उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि आप किसी इनमें से किसी भी कंपनी के साथ में जाना चाहते हैं, किसी भी कंपनी की रिटेलर आईडी या फिर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे होंगे। चलिए उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।